ये मैं अभी बैठा हूँ एक टैक्सी में, और ये पहाड़ मेरे होटल के करीब है, ये आगे आ गया है। और ये एक और टनल आ गई है, इसके नीचे से अब हम गुजरने लगे हैं। ये गालिबन चौथी टनल है जिसमें अब हम दाखिल होने लगे हैं। ये सामने का नज़ारा, और आप ये ज़रा चेक करें ये कौन कौन से रास्ते हैं। डेरा गाजी खान के ये हमारे भाई हैं, 11 साल से इधर हैं, काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो यहाँ बड़े पाकिस्तानी भाई मौजूद हैं, मक्का में, जद्दा में, मदीना में, सऊदी अरब में फैले हुए हैं। ये उमर साहिब हैं, यहाँ हैं मेरे साथ। भाईजान कितने घंटे टैक्सी चलाते हैं आप? 12 घंटे। 12 घंटे, कितना अर्सा हो गया आपको मक्का आए हुए? 11 साल। 11 साल तो इसी शहर में चलाते हैं या मदीना भी? नहीं नहीं, इधर इधर ही। तो निज़ाम सही चल रहा माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह सही है। तो डेली की कितनी राइड्स हो जाती हैं आपकी? हो जाता 200-250। 200-250 रियाल बन जाते हैं। तो राइड्स मतलब कितना, सवारियाँ कितनी मिल जाती हैं आपको? डेली मिलती रहती है बस, शायद 10-20 दफ़ा, 10-15, 10-12 बार। सही, मतलब 250 के रियाल के करीब आप माशाल्लाह बना लेते हैं। सही हो गया भाई जान, अल्लाह आपकी रोज़ी रोटी में बरकत डाले। बाकी ये गाड़ी अपनी ही माशाल्लाह? अपनी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अल्लाह बरकत डाले। तो ये मैं अभी बैठा हूँ एक टैक्सी में, और ये पहाड़ मेरे होटल के करीब है, ये आगे आ गया। ये एक टनल है आगे, और ये हमें ले जाएगी मस्जिद जिन भी, मेरा ख्याल है उधर ही आती है आगे मस्जिद जिन भी आएगी आगे। और ये टाइम जो मैंने मुंतखब किया है वो ये है कि असर के बाद जो जन्नतुल मौला है वो खुलता है, वहाँ फातिहा के लिए जा सकते हैं। तो ये जी टनल है, ये मेरे होटल के कमरे से थोड़ी थोड़ी सी ये नज़र आती है। कितनी देर का यहाँ से और रास्ता है? 5-6 मिनट। पाँच को मिनट की दूरी पर रह गया वो रास्ता, वो जगह जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। ये अच्छा, आगे एक और टनल भी आ गई जी। ये देखें पहाड़ के ऊपर बने ये होटल भी हैं, मेरा ख्याल इसमें कुछ फ्लैट्स होंगे, घर होंगे लोगों के साथ। मक्का में आज दोपहर में काफ़ी गर्मी थी, जोहर के टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये फर्स्ट टाइम मैं ये रास्ता देख रहा हूँ आपके साथ, और ये एक और टनल आ गई है, इसके नीचे से अब हम गुजरने लगे हैं। पहले मैंने यहाँ पर आना था अभी भाई के साथ, इतना चलकर वो पीछे के रास्ते से ज़रा थोड़ा सा पैदल मस्जिद अल हराम की तरफ से, सफ़ा गेट की तरफ से, वहाँ से आगे निकलना था जन्नतुल मौला की तरफ। तो फिर मैंने सोचा यार, फिर या किस्मत या नसीब, वालदा साथ आई हुई हैं, मैंने कहा अभी उनको लेते हैं। वो अंदर तो नहीं जा सकती हैं, वो बाहर खड़े हो जाएंगी, और लेकिन मैंने कहा चलें इन्हें भी साथ ले चलता हूँ मैं, और ये भी देख लें वहाँ पर। क्या चीज़ है इधर? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ये इसी का मैं आपको बता रहा था कि इस रास्ते से आगे से निकलने का मैंने सोचा था। सामने है मस्जिद अल हराम, और मुसलमानों की, हम सब की अल्हम्दुलिल्लाह मुकद्दस तरीन जगह। ये फिर से एक और टनल है, ये गालिबन
चौथी टनल है जिसमें अब हम दाखिल होने लगे हैं। तो मुझे अभी मालूम नहीं यहाँ पर इन पहाड़ों में कितनी सुरंगें बना रखी हैं यहाँ पर। ये आ गया जन्नतुल मौला। चले जी, ऊपर से आएंगे घूम के। ओके, अच्छा जो जन्नतुल मौला है उसके दो हिस्से हैं कि एक ही हिस्सा है? दो हिस्से, एक सड़क के पार इस तरफ और एक दूसरी तरफ। ठीक हो गया, आगे और भी टनल्स हैं कि यहाँ तक ही? ये आखिरी टनल है। ठीक है जी, ये आखिरी टनल है यहाँ पर मक्का में, ये भाई बता रहे हैं। तो यहाँ से और कितनी ही दूर? दो मिनट। ठीक है जी, रियाज जाना है जी यहाँ से, तो बस इधर रेडी है। यहाँ से अगर जहाँ अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ से रियाज शहर जाने के लिए 100 रियाल लगते हैं जी। अच्छा ये बड़ी बड़ी दूर होटल बने हुए, लोग यहाँ से भी पैदल मैं देख रहा हूँ आ जा रहे हैं। कौन सी जगह बताइए? अतीबिया बाजार, भाई बता रहे हैं मुझे ये अतीबिया बाजार। ये सामने क्या तामीर हो रही है, क्या ये बिल्डिंग कर रहे हैं? कमर्शियल प्लाजा है, क्या चीज है ये? भाई इधर अकेले हैं, फैमिली भी इधर? फैमिली उधर। सही, ये सामने का नज़ारा, और आप ये जरा चेक करें ये कौन कौन से रास्ते हैं। ये दोनों तरफ ही आ गए जी। इस टाइम लोग अंदर नहीं जा रहे मेरे ख्याल, इजाज़त नहीं? इजाज़त है वो जो लोग जिला ताला नाह की जो कब्र है मुबारक, वो इधर है कि इधर है? ये पता नहीं है, ये आपको नहीं पता? नहीं पता, किसी से पूछा भी नहीं है मेरे ख्याल। अब आप हमें उधर आगे उतारेंगे, किधर उतारेंगे? अभी आपका मर्जी, जो साइड में जाना है। चलो जी, इस ये कुबरी जमेदा है गाजा। ओके जी, शुक्रिया।